नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं टेक पॉइंट दुनिया चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका फिर एक बार टेक पॉइंट दुनिया चैनल में। फ्रेंड्स, हर बार की तरह आज का वीडियो भी ज्ञान से भरा और एक पावरफुल वीडियो साबित होने वाला है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री युवा सम्मेलन योजना में एक बड़ा अपडेट आया है। यहाँ अपडेट सरकार ने 21 फरवरी 2020 को किया है। इस अपडेट में सरकार ने इसके रिगार्डिंग एक लेटर पूरा इस पे प्रेषित किया है, जो भी नए अपडेट भेजे हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री युवा सम्मेलन योजना 2023 से लेकर पहला 2023 का क्या बड़ा अपडेट आया है। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे सरकार के नए अपडेट के बारे में। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि हम लगातार इस चैनल पर मुख्यमंत्री युवा सम्मेलन योजना से संबंधित वीडियो लेकर आ रहे हैं, ताकि इस योजना से ज़्यादा लोग जुड़ सके और इस योजना का वो लाभ ले सके। तो आज के वीडियो में भी इस योजना के अंतर्गत सरकार ने एक बड़ा अपडेट दिया है, जिससे बहुत सारे जो व्यक्ति हैं उन लोगों को इस योजना से लाभ पहुँचने वाला हो और उनको एक बड़ी राहत पहुँचने वाली है। तो आज के वीडियो में जानते हैं कि सरकार ने इस योजना के अंतर्गत कौन सा बड़ा अपडेट किया है। तो इसके लिए आपको अपना कोई सा भी गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मोजिला फायरफॉक्स पे ही ये वेबसाइट रन करें, क्योंकि यह प्रॉपर तरीके से इसी पर चलती है। और लास्ट में हम आपको एक गुड न्यूज़ भी देने वाले हैं इस योजना के अंतर्गत, तो वीडियो आप लास्ट तक देखते रहें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर वीडियो बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव है और आप जानकारी से भरा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले आप गूगल ब्राउज़र में युवा पोर्टल आप सर्च कर लीजिए, ठीक है। आप फर्स्ट वाला लिंक ओपन कर लीजिए। वेबसाइट थोड़ा सा टाइम ले सकती है, पर वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद देखिए इसका इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। वेबसाइट में देखिए समय समय पर सरकार इसमें लगभग अपडेट पे अपडेट ला रही है, ताकि लोग इससे जुड़े और इस योजना का लाभ ले सकें। जो लोग बिल्कुल ही शादी करने के लिए उनके पास सक्षम पैसे नहीं होते, तो सरकार ऐसे लोगों को इस योजना से ज़्यादा जोड़ने की संभावना कर रही है। इस योजना का एक बहुत बड़ा अच्छा ये फ़ायदा है कि इसमें जो व्यक्ति जो भी निःशक्त जन होते हैं, उन लोगों को यहाँ पे कन्याओं की जो जानकारी है वो आसानी से यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उससे रिलेटेड हम वीडियो अगला लेकर आएंगे, ताकि उन लोगों को भी इसमें जानकारी मिले और उनका भी शादी हो सके। तो खैर, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकार के नए टॉपिक अपडेट के बारे में, ठीक है। तो देखिए, ये 2023 का पहला अपडेट है सरकार का इस योजना के अंतर्गत। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री विवाह निकाह योजना के क्रियान्वयन में संबंध में 21/2023 को ये नोटिस अपडेट आया है। हालांकि हम इसमें थोड़ा सा लेट हो गए किसी कारणवश से, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इस नोटिस को देखने के लिए आप यहां से व्यू पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहां से आप इस चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, यहां से आप देख भी सकते हैं। तो यहां से हम यहां से इसको देखेंगे। तो इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक PDF की फाइल ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें आखिर क्या लिखा हुआ आ रहा है लेटर में। तो देखिए यहाँ पर है मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के संबंध में। देखिए सबसे पहले तो यह लेटर 21 फरवरी 2023 को ही अपडेट किया गया, जारी किया गया, ठीक है। इसमें देखिए बताया गया है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना का क्रियान्वयन एवं NIC द्वारा विकसित विवाह पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। कुछ जिलों में जैसे बुरहानपुर, नर्मदापुरम एवं छिंदवाड़ा द्वारा अवगत कराया गया, मतलब वहाँ के जिलों से अवगत कराया गया सरकार को, कि तकनीकी कारणों से विवाह दिनांक तक आवेदनों का पंजीयन विवाह पोर्टल पर नहीं हो सका, विवाह के उपरांत पंजीयन करने की अनुमति चाही गई है। तो मतलब जो विवाह की जो तारीख है उसके उपरांत पंजीयन नहीं हुए हैं, तो वहाँ के इन जिलों ने इसमें अपनी अर्जी लगाई है कि हमें विवाह के बाद भी इसमें पंजीयन करने की आप सुविधा प्रदान करें। तो इसके सामने से सरकार ने इनको क्या सुविधाएं दी हैं, तो इन्होंने अपने 4 पॉइंट में इसका जवाब दिया है। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने बताया कि विवाह पोर्टल पर आवेदन दर्ज करने की कार्यवाही शासन के निर्देश अनुसार सामूहिक विवाह निकाह कार्यक्रम के 7 दिवस पूर्व की जाए, ठीक है। मतलब आप 7 दिन के पहले ही ये निपटा लें, ठीक है, ताकि आप लास्ट तक ना जाएं। दूसरे में इसने जवाब दिया है इन्होंने, यदि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो 7 दिवस पूर्व ही विस्तृत जानकारी सहित संचालनालय को आप मेल कर सकते हैं कि हमारे इस पोर्टल पर दिक्कत आ रही है, जहां से हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो तारीख फिक्स होती है उस तारीख में आप वहाँ पर बता सकते हैं कि इस तारीख का जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हमें
दिक्कत आ रही तो सरकार वहाँ से कुछ ना कुछ आपको अपडेट करेगी। इसके बाद यदि किसी कारणवश निकाय द्वारा सामूहिक विवाह निकाह कार्यक्रम के 7 दिवस पूर्व तक विवाह पोर्टल पर पंजीयन नहीं किया जाता है तो उक्त प्रकरणों को पोर्टल पर दर्ज करने हेतु जिले के संयुक्त उप संचालक सामाजिक एवं दिव्यांग सशक्ति विभाग द्वारा सूची सहित संचालनालय को प्रदर्शित करें। अगर जैसे आपका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता 7 दिनों के अंदर भी, तो आप अपनी सूची बनाएं। सूची बनाने के बाद जो इसका ऑफिस है जिले में, उस ऑफिस में जाकर आप उन लोगों की लिस्ट वहां पे जमा कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, जिले से पात्र प्राप्त के उपरांत संचालनालय द्वारा परीक्षण कर प्रकरणों को विवाह पोर्टल पर पंजीयन करने हेतु सहमति प्रदान की जाएगी। मतलब वहाँ से आप जो फॉर्म जमा कर देंगे उन फॉर्मों को फिर वहाँ पे पात्रता में परीक्षण किया जाएगा, जो भी पात्र हो जाएंगे एवं विवाह पोर्टल की अनलॉक किया जाएगा, फिर वहाँ से विवाह पोर्टल को अनलॉक किया जाएगा। विवाह पोर्टल के अनलॉक होने के उपरांत 7 दिवस में ही पंजीयन, पात्र अपात्र, उपस्थिति एवं लाभित की जानकारी दर्ज सुनिश्चित करें। तो अगर मान लो 7 दिवस के अंतर्गत पहले अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो आप अपना जो मेल है वो आप अपने नज़दीकी संचालनालय को यहाँ से कर सकते हैं और वहाँ से आपको कुछ बड़ा अपडेट मिल जाएगा। या तो अगर आप पात्रता में आते हैं तो आप अपना फॉर्म जिले के जो संभाग, जो जिले में जो इसके ऑफिस बने हैं वहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, इन 3 जिलों ने अगर रिकमेंड किया है कि भाई हमें दिक्कत आ रही है, तो और भी ज़िले इसमें अगर उनको भी कोई दिक्कत आ रही तो बताएं सरकार को कि हमें दिक्कत आ रही है पंजीयन करने में। तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप मेल करिए और उनको बताइए सरकार को कि हमें रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही है। और अब बात आती है कि इस योजना से आपको एक गुड न्यूज़ प्रदान करनी है। तो देखिए, गुड न्यूज़ इसमें यह है कि इस पोर्टल का आप मोबाइल ऐप्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सभी जानकारी उसी प्रकार से मिलेगी जैसे कि इसकी ऑफिशियल पोर्टल पर आपको जानकारी देखने को मिलती है। तो यहाँ काफ़ी अच्छी सुविधा है, यहाँ से जिन लोगों ने इसमें आवेदन किया है तो वो सारी चीज़ें यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। इस मोबाइल ऐप को हम अगले वीडियो में कवर कर रहे हैं कैसे आप अपनी सभी जानकारी यहाँ से आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको इससे फिर भी कोई सवाल है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और आशा फ्रेंड्स हमारी दी हुई जानकारी आपको समझ आएगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें।